Guys, what's up? It's me, Ishan Saxena, Planet Traveler, back with another video. Where I have been, I'm alone. No one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दिए, लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए और शेयर करना चाहे शेयर कर दिए। तो गाइस आज के व्लॉग में आप लोग देखने वाले हैं मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी और गेटवे ऑफ इंडिया। ये तीनों लोकेशंस मैंने अच्छे से कवर की हैं और म्यूजिक के साथ भी आप देख सकते हैं और मैं बीच बीच में आके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी मेरी गाइस कि आप लोग प्लीज स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिए, आराम से देखिए और मैं इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम लोग बाइक से जा रहे हैं और फिर से बताना चाहूंगा, तो गाइज ये है बाइक टैक्सी जो कि मैंने रैपिडो से बुक करी थी। रैपिडो एक ऐप है जो बाइक टैक्सी प्रोवाइड करवाता है आप लोगों को। तो गाइज मैंने जुहू टू गिरगांव चौपाटी बाइक टैक्सी बुक करी थी जिसने 165 रुपीज लिए थे। कुछ माइनस कर दिए थे क्योंकि अगर सेकंड राइड लेते हो आप इनकी तो उसमें डिस्काउंट मिलता है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग कैब से या टैक्सी से जाना चाहते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, वो कुछ पड़ेगा आपको 550 टू 560 रुपीस, और अगर आप बाइक टैक्सी से जाते हैं तो 160 रुपीस पड़ेगा। तो गाइस अगर मुंबई में आप कहीं भी घूम रहे हैं या किसी भी स्टेट में कहीं भी घूम रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस मास्क लगाना, बिना मास्क के आप लोग प्लीज मत निकलिए। तो गाइस जब तक आप सीन एंजॉय करेंगे तब तक मैं थोड़ा गिटार बजाता हूँ और आखिरी में आपको दिखाता हूँ बजा के कि मैंने क्या नया सीखा है। बिल्डिंग्स देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अगर आप मुंबई में नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अगर बाइक से घूमते हैं तो उन बिल्डिंग्स के बीच में जाने से आपको बहुत अजीब सा लगने वाला है बाइक से अगर जा रहे हैं। अगर आप कैब से या टैक्सी से जाएंगे तभी भी लगेगा, पर उतना अलग नहीं लगेगा जितना आप बाइक से जाते हुए आपको लगेगा। तो ये जरूर ट्राई करिए अगर आप मुंबई आ रहे हैं। Unknown brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions. Cause I do what I gotta do and I know, तो गाइस अभी मैंने आपको दिखाया है अंटेला जो कि मुकेश अंबानी जी का घर है और साउथ बॉम्बे साइड ही है। अगर आप सीलिंग से नहीं जा रहे हैं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। सीलिंग ब्रिज के बारे में बताना चाहता हूँ फिर से, और देखिए अगर आपको साउथ बॉम्बे साइड जाना है तो आप सीलिंग से जा सकते हैं और या फिर बिना सीलिंग के जा सकते हैं। सीलिंग में आपको जाके टोल देना पड़ेगा जो कि 50 रुपीज है, और अगर नॉर्मल जाते हैं तो वहां पे आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सीलिंग से आप जल्दी पहुंच जाएंगे और बिना सीलिंग के थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक होता है उधर।
गाइस गिरगांव चौपाटी के बारे में मैं फिर से बताना चाहूंगा। देखिए गाइस, अगर आप यहां पे आ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप जुहू से आ रहे हैं तो यहां आपको 165 रुपीस लगेंगे। मैं तो जुहू से आया हूं तो मैं अपना बता रहा हूं। और गाइस यहां पे अगर आपको भूख लगती है तो यहां पे आपको काफी स्टॉल्स मिल जाएंगे खाने पीने के। और अगर अंदर जाएंगे आप तो अंदर तो पूरा चौपाटी है ही वहां पे। Everything I've learned, what is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? Why can't I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Oh, and I feel like I am someone else. Oh, and I feel like I don't know. Keep on wasting all day. I'm turning my head, I'm losing the night. तो गाइज अगर आप लोग अभी तक मुंबई नहीं आए हैं और आप मुंबई विजिट करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ प्लेसेस बताना चाहूंगा जहां पे आप विजिट करिए। जुहू बीच हो गया गाइज, और हो गया अपना नरीमन पॉइंट, हो गया मरीन ड्राइव, हो गया हाजी अली, हो गया महालक्ष्मी टेम्पल, हो गया सिद्धि विनायक टेम्पल, हो गया नरीमन पॉइंट मैंने आपको बताया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल पार्क हो गया और फिल्म सिटी हो गया। बहुत सारी जगह है तो आप जो मैंने बताया वहां भी आइए और आप लोग गूगल सर्च करके देख ही सकते हैं कि और कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए। गाइस अभी आप लोगों ने देखा हुआ है कि एक मैंने अभी आपको एक पार्लियामेंट दिखाया है, यहाँ का महाराष्ट्र का पार्लियामेंट है, बहुत प्यारा लग रहा था लाइफ में देखने में, बहुत बड़ा है ये। आपको अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया के साइड जा रहे हैं मरीन ड्राइव से तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहूंगा तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा कोलाबा में है जो कि मरीन ड्राइव से थोड़ा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है गाइज। आप लोग अगर मरीन ड्राइव से आ रहे हैं यहाँ पे तो अप्रोक्स 15 to 20 minutes लग जाएंगे अगर ट्रैफिक हुआ, और बिना ट्रैफिक के 15 मिनट्स लगेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ अगर मरीन ड्राइव टू गेटवे ऑफ इंडिया आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको 80 रुपीज चार्ज लगेगा जो कि टैक्सी में होगा। गाइज गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने हमारा होटल ताज है, होटल ओबरॉय है और काफी होटल्स हैं। लेकिन जो यहाँ पे मेन चीज जो लोग देखते हैं वो है होटल ताज हो गया, ओबरॉय हो गया और गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। काफी प्यारा सीन है, काफी ब्यूटीफुल सीन है यहाँ पे। और मैं बताना चाहता हूँ कि गेटवे ऑफ इंडिया अगर आप आते हैं तो वहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग आइए, सीन का मजा लिए और फोटोज खिंचवाइए। वहां पे आपको काफी फोटोग्राफर्स देखने को मिल जाएंगे जो आपकी फोटोज खींच देंगे। बताना चाहूंगा कि गाइस वहां पे अगर आपको फोटो खिंचवानी है तो ज्यादा प्राइस में नहीं खींचते हैं वो लोग, सही सही प्राइस में खींचते हैं और वहीं पे आपको आपकी फोटो प्रिंट करके दे देंगे। जैसा भी आपको सही सही है आप उन्हें बताइए, वहीं आपकी फोटोज खींचेंगे वो और प्रिंट करके आपको दे देंगे। Oh.
गाइस अब हम लोग जाने हैं बोटिंग करने। अब मैं बोटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, ये गेट ऑफ इंडिया के ठीक पीछे बोटिंग भी होती है, तो आप लोग जाके वहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। Nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me. But I guess I got 100 rupees ka guys aapko ticket milega per person. Aap jaiye wahan pe, ticket wahin pe mil jayega. Jaise ye boat khadi hai, maine dikhaya aapko. तो वहीं पे कोई खड़ा होगा, वहां से आप उनसे टिकट ले सकते हैं, जो कि 100 रुपीस का होगा पर पर्सन, और आप आराम से अंदर जा सकते हैं। मैंने कहा चलो बोट पे आ गए हैं, तो काफी मैंने सेल्फी में वो लिए हैं वीडियोस, वाइड एंगल लिया है उसका आप लोगों को दिखाने के लिए कि पीछे का क्या सीन रहता है और कैसा लगता है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने कहा चलो अब आए हैं तो कैप्टन का भी देख ले कि रूम कैसा होता है, तो मैंने कैप्टन का भी आपको रूम दिखाया कि कैसा लग रहा है। अब आप लोग आराम से एंजॉय करिए सी को, और बोटिंग एंजॉय करिए आराम से, और आप देखिए कितना ब्यूटीफुल सीन है। पीछे आपको ताज दिखेगा, गेट ऑफ इंडिया दिखेगा और ओपरा दिखेगा। I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सीन है, ये तीनों चीजें एक साथ दिख रही हैं, होटल ओबेरॉय, ताज और गेटवे ऑफ इंडिया। गाइज आप बोट में आइए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी जा सकते हैं बोट के, आप नीचे भी बैठ सकते हैं। मैं तो ऊपर चला गया था और आराम से वहां पे बैठ गया था, मैंने आपको दिखाया। Unknown brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turn nothing into something. No Medellin. तो गाइज अगर आप बोट में आ रहे हैं और आप पे कुछ खाने को नहीं है, आपको पानी पीना है, तो बोट में वो भी मिल जाए। आप लोग बोट में खरीद सकते हैं, वाटर बॉटल्स होंगी और स्नैक्स होंगे वहाँ खरीदने को, आप उन्हें पे करिए, वो आपको खाने को दे देंगे वहीं पे। तो गाइज थोड़ा आगे बढ़ते भाई, हमने देखा कि बहुत सारे पिजन्स हैं वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने, बहुत सारे पिजन्स हैं और लोग उन्हें खाना दे रहे थे। तो हमने पूछा कि क्या दे रहे हैं आप, तो कुछ दाना टाइप था वो दे रहे थे, तो हमने कहा चलो हम भी देते हैं, तो हमने भी दिया। गाइज अगर आपको भी देना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहीं पे आपको बेचते हुए लोग दिख जाएंगे, दाने जो होते हैं वो आपको बेचते हुए दिख जाएंगे। लाइक 10 रुपीस का था, मैंने 10 रुपीस का लिया था, वहां पे डाला था, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन मैंने बताना चाहता हूँ कि आप वहीं से खरीदिए और वहीं पे डालिए। बहुत सारे पिजन्स होते हैं, बहुत सारे। बताना चाहूंगा कि गाइज अगर आपको वहां भूख लगती है तो वहां पे काफी खाने का भी है, लाइक कैंटीन्स बनी है उधर, छोटी छोटी कैंटीन्स बनी है, वहां से आप खाने का भी ले सकते हैं। और वहां पे अगर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे मैंने आपको दिखाया, हैट मिल जाएगी पहनने को, गॉगल्स मिल जाएंगे, वॉचेस मिल जाएंगी, तो वहां पूरा मार्केट बना है, एक छोटा सा मिनी मार्केट कहेंगे उसे, तो आप आइए तो वहां पे भी विजिट जरूर कीजिएगा। तो गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम लोग आते हैं ताज की बैक साइड।
उस साइड भी बहुत प्यारी रोड है गाइस, वहां पे भी खाने पीने का है, क्लोथ्स की दुकान है, वॉचेस की दुकान है। एक बात और बताना चाहता हूँ, ताज के अंदर गाइस काफी शोरूम्स हैं, आप वहां पे ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन जैसे भी जाते हैं मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन अंदर काफी शोरूम्स भी हैं गाइस। वहां पे मैंने आपको दिखाया स्टारबक्स है, अगर आपको कॉफी पीनी है तो वहां पे आप स्टारबक्स में भी जा सकते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सीन है, कितना प्यारा सीन है, और हमारा मुंबई कैसे लगता है सुबह। ये वाला एरिया मैं भी आ चुका हूँ काफी बार, लेकिन रिकॉर्ड में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इधर आके। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा, अगर मजा आया तो आप सबसे पहले से लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको ये सब दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसे सीन्स बार बार देखने को नहीं मिलते हैं गाइज। तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट में बताइए अगला व्लॉग हम किस टॉपिक पे बनाएं गाइस। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि आपको गिटार बजा के दिखाऊंगा फिर से, तो बजा के दिखाते हैं थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है। वैसे एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, ये देखिए इसकी स्ट्रिंग टूट चुकी है, बट थोड़ा बहुत प्रॉमिस करा था आपसे, तो बजा के दिखाते हैं। नहीं बज रहा गाइस, ये स्ट्रिंग टूट गई अभी, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही ट्यून करने की कोशिश करी, टाइप करने की कोशिश करी, तो स्ट्रिंग ही टूट गई। चलते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। तब तक ले नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।